हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं सोमवार के अचूक उपाय। ऐसे कौन से उपाय आ गए जो अचूक है? तो आज सुबह ही कहते हैं ना, कंटेंट मिल जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आप जिस कंटेंट के बारे में सोचते हैं, भगवान आपको उस तरफ अपने आप ही भेजता है वो मैसेज। तो सुबह किसी का फोन आया कि मैडम मुझे 10-12 रेमेडी बता दीजिए लक्ष्मी को पाने की। तो मैंने कहा अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं, पहले तो खुद ही रेमेडी करके ना बिलेनियर बन जाओ। देखिए, ये जब जन्म होता है ना तभी नक्षत्रों में लिखा जाता है। तो कल एक स्टूडेंट बोला कि मैडम एस्ट्रोलॉजी पर दुनिया हंसती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ को नहीं भी आता तो भी वो एस्ट्रोलॉजर है। कोई तांत्रिक बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ, तो मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं दे सकती ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सच है, तो अगर कोई मजाक उड़ाता वो सच तो नहीं बदल जाना। और ऐसे कौन से सोमवार के अचूक उपाय हैं जो भी आपकी किस्मत को बदल देंगे? और मैं बार बार कहती हूँ कि पूरी जो एस्ट्रोलॉजी थ्योरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर अटक गई है? रेमेडीज पर। सोमवार को आप पंचामृत करवाइए। वो तो लोग पता नहीं कब से, जब से मेरे ख्याल हमारा सतयुग द्वापर त्रेता युग है, हम सोमवार को भोलेनाथ पे जाकर ही जल चढ़ाते हैं। तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने आपको बताया मनकामेश्वर का, इतनी भीड़ होती है, सिर्फ उसी दिन होती है। अच्छा, मैं नहीं जाके खुश होती कि इतनी भीड़ में मैं भगवान के दर्शन क्या करूँ। लेकिन एक दिन माना हो ना, जैसे मंगलवार को भगवान यहाँ मिलेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। मैं नहीं जाती इतनी भीड़ में जहाँ पर भगवान के दर्शन इन्होंने एक धक्का मारते हैं सीधा नीचे। मतलब गर्भगिरी ऐसी कि ऊपर से नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों में, ऐसी कुछ होंगी 25-30 सीढ़ियाँ। मतलब ऊपर से कोई धक्का मारे वो 30 सीढ़ियाँ नीचे ही जाएगा, इतनी भीड़ होती है। तो मैं हमेशा भगवान को, क्योंकि ना उसके लिए देखो कहीं ये तो नहीं लिखा शिवपुराण जब मैं पढ़ रही थी तो, कि मंदिर में ही जाना स्पेसिफिक। तो ज्ञान के अंदर ही भगवान को मैंने पाया। मैं किसी स्पिरिचुअल लीडर से बहस नहीं कर सकती, सबका अपना अपना देखिए तरीका है देखने का। लेकिन कोई अगर झूठ बोलता है उस पर मुझे गुस्सा आता है। अब आपने ऐसे कौन से अचूक उपाय देख लिए कि जो करेगा तो बंदा रात को अमीर बन जाए? क्योंकि इकोनॉमिक हमारी पता ही है कि दशा काल पात्र से ऊपर नहीं है, हम वैसे ही वीक हैं। अगर कोई गवर्नमेंट आई है 12-15 साल से तो वो भी चमत्कार तो करेगी नहीं, एक गड्ढा भरने में जो टाइम लगता है वो तो लगता है। तो आप दुनिया को वो भ्रम क्यों दे रहे हो? मेरा कहने का मतलब, ऐसा कौन सा अचूक उपाय बताने वाले हो कि जिससे वो रात को अमीर बन जाएगा या उसके बच्चे अमीर बन जाएंगे? हर कोई मेहनत करता है, रिक्शा वाला से लेकर आप समझ लीजिए इस समय जो भी हमारे मोदी जी, वो भी मेहनत करते हैं सारा दिन। देखिए, चाहे हम मेंटली करें चाहे फिजिकली करें, स्ट्रेस रहता है। आप अंबानी के पास चले जाइए, बिल गेट्स के पास, जितने बड़े नाम ले सकते हो, ये मत सोचिए कि उनकी लाइफ में टेंशन ही नहीं है, वो काम ही नहीं करते, पैसा है तो बहुत अमीर होंगे, नहीं। और उन्होंने बड़े अचूक उपाय करे होंगे तो अमीर बने हैं, नहीं। ये ना जन्म से ही लिखा जाता है। अब जो बिलियनियर के घर में पैदा होगा उसको क्या रेमेडी की जरूरत है? उसको परोस के दिए गए, लेकिन वो जन्म क्या था? कर्म के ऊपर। उसने कर्म अच्छे करे तभी वो बिलियनियर के घर पैदा हुआ ना। अब हम मिडिल क्लास के पैसे, हमारे कर्म ऐसे हैं, लोअर में जो पैदा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक पीढ़ी, आज से 7 साल बाद कोई ऐसी पीढ़ी आएगी जो पढ़ाई की तरफ प्रोसेस करेगी, और तो ये सारा क्लास सिस्टम हमारा ख़त्म होगा। उसमें भी अभी 500-700 साल लगेंगे ना, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। उपाय होते हैं जो आप नॉर्मल, वही तो चलते हैं उपाय, कच्चा दूध चढ़ाइए, ये सारी महादशाओं में आप देख लो। अगर आपको लगता है चंद्रमा इक्लिप्स है आपकी कुंडली में, बार बार विवरिंग थॉट्स आते हैं, तो चंद्रमा क्या है? माँ है, माँ इज अ वाटर, तो आप पानी चढ़ाइए। अगर वहाँ पर सूर्य है तो सूर्य अग्नि है, शांत करने के लिए रॉ मिल्क चढ़ाइए। तो इसमें आपने अचूक क्या देख लिया? ये तो करोड़ों एस्ट्रोलॉजर ने बता रखा है। आप टैग लाइन को ऐसा दे देते हैं कि सिर्फ आपको कभी नहीं लगता आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच बताने की, कि व्यूज और ये सब होने चाहिए। आपको पता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में व्यूज की भी लिमिट है और हमारी सब्सक्राइब की भी लिमिट है। 1 लाख से ऊपर आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे और व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे। 35-40-45 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको कंटेंट को बदलने की जरूरत नहीं है, कंटेंट आप वही रखिए जो शास्त्रों में लिखा है, सच बोलिए। तो कोई भी अचूक उपाय नहीं है, सिर्फ उपाय हैं आपके विश्वास पर हैं। अगर आपको लगता है, और जो जिसकी पूजा करते हैं जिस भावना से करते हैं जैसे करते हैं,
तो वो वैसे ही करें, क्योंकि उनकी भावना को ठेस नहीं लगनी चाहिए। और आप लोग इस अगर लालच से उपाय कर रहे हैं कि चमत्कार होना है, तो बताइए फिर आप लोगों का क्या होगा। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े डॉक्टर किरण पावा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक भ्रम को तोड़ने के लिए।